नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम बॉक्स ऑफिस एनालिसिस करेंगे कुछ फिल्मों का, जिसमें डॉक्टर जी, कांतारा, गॉडफादर, PS1 और गुड बाय। पहले बात करेंगे कांतारा मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म ने 116 करोड़ की अब तक कमाई की है वर्ल्ड वाइड। इस फिल्म ने हिंदी लैंग्वेज में 8 करोड़ का बिजनेस किया है सिर्फ 3 दिनों में। फ्राइडे को बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई, एक तो कोड नेम तिरंगा, उसके बाद डॉक्टर जी। डॉक्टर जी में आयुष्मान खुराना और गुरप्रीत सिंह थे, लेकिन उनके फिल्म का 3 दिन का कलेक्शन वीकेंड का कलेक्शन 15 करोड़ है और इस फिल्म का बजट 35 करोड़ है। मतलब ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित होगी। उसके बाद इस फिल्म के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था कोड नेम तिरंगा। उस फिल्म में परिणीति चोपड़ा और हार्दिक संधू थे लीड रोल में और इस फिल्म की ओपनिंग डे का कनेक्शन 70 लाख से भी कम है और इस फिल्म का बजट 40 करोड़ से ऊपर है। इसका मतलब ये एक डिजास्टर मूवी होगी। अभी बात करेंगे कुछ फिल्में जो रिसेंटली रिलीज हुई थी, उनमें से कौन सी फिल्में हिट और कौन सी फिल्में फ्लॉप की कैटेगरी में है। पहले बात करते हैं गॉडफादर मूवी में। चिरंजीवी और सलमान खान लीड एक्टर थे। उस फिल्म का अभी तक का कलेक्शन 115 करोड़ है वर्ल्ड वाइड और इस फिल्म का बजट 135 करोड़ था, तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई है। अभी बात करते हैं PS1 की, जो कि तमिल की हाईएस्ट ग्रोसिंग तमिल मूवी बन गई है। इसका कलेक्शन 460 करोड़ हुआ है अब तक और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई है। अभी बात करते हैं रश्मिका मंदाना और अमिताभ बच्चन स्टारर बॉलीवुड मूवी गुड बाय के बारे में, जिस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 5 करोड़ हुआ है और एक मूवी बॉलीवुड की एक और डिजास्टर मूवी के लिस्ट में शामिल हो गए। बात करते हैं नागार्जुन अकिनेनी की द घोस्ट मूवी के बारे में, जिसका टोटल कलेक्शन 12 करोड़ हुआ है। उस फिल्म का बजट 35 करोड़ था, तो वो मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप मूवी साबित हुई। और बॉलीवुड की विक्रम वेदा भी पूरी तरीके से फ्लॉप मूवी साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पर। तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मों के रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर